हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फार्म मशीनरी का एक न्यू टॉपिक लेकर आए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल, यानी कि सीड ड्रिल की गणना कैसे करते हैं। यदि आप यह कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल से इम्पॉर्टेंट कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप यानी 4 स्टेप तक यदि जानते हैं तो आपको यदि कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल से न्यूमेरिकल भी आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल के बारे में कि क्या होता है, यानी कि सीड ड्रिल की गणना आप कैसे करते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेप, यानी कि फर्स्ट लिखा गया है कि मशीन के खुरपो यानी कि फरो ओपेनर्स की संख्या को मालूम किया जाता है। यानी कि सीड ड्रिल में क्या किया जाता है कि उसके फरो जो लगे हुए हैं उनकी संख्या को क्या किया जाता है, मालूम किया जाता है कि सीड ड्रिल जो मशीन है उसमें फरो की संख्या कितनी है। ठीक है, वो फर्स्ट है। फिर सेकंड पर बात करेंगे तो दो खुरपो यानी कि फरो ओपेनर्स के बीच की दूरी, यानी कि जो खुरपा आपका लगा रहेगा फरो उनके बीच की दूरी की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है दो खुरपो यानी फरो ओपेनर्स के बीच की दूरी। ठीक है, फिर थर्ड में बात किया गया साइज ऑफ सीड ड्रिल, याद करने के लिए क्या किया जाता है साइज ऑफ सीड ड्रिल यानी मशीन, यानी कि सीड ड्रिल की मशीन की गणना करने के लिए क्या किया जाता है कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप का क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कर दिया जाता है, तो जो वैल्यू आता है वह साइज ऑफ सीड ड्रिल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और फोर्थ में लिखा गया मशीन के पहिए की परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस। थर्ड स्टेप में लिखा जाता है पाई इंटू डी, यानी कि मशीन का जो डायमीटर रहेगा डी और पाई का यदि मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सर्कमफेरेंस ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ज्ञात की यानी कि मशीन के पहिए की परिधि को ज्ञात किया जाता है थर्ड स्टेप में। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में लिखा गया मशीन के एक क्षेत्र में बोया गया क्षेत्र यानी कि वन रिवोल्यूशन, यानी एक चक्र में कितना एरिया कवर कर रहा है यानी कितना एरिया का सोविंग कर रहा है उसकी गणना करने के लिए क्या किया जाता है विड्थ ऑफ सीड ड्रिल यानी कि मशीन की चौड़ाई मल्टीप्लिकेशन सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, यानी कि क्या किया जाता है मशीन की चौड़ाई यानी कि साइज ऑफ सीड ड्रिल, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जितना वैल्यू आया रहेगा उसका वैल्यू यह बन जाएगा और सर्कमफेरेंस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वह हो जाएगा आपका मशीन के एक एरिया में मतलब बोया गया क्षेत्र हो जाएगा वन रिवोल्यूशन। तो इससे रिलेटेड यदि सवाल आपको क्वेश्चन में यदि उससे न्यूमेरिकल सवाल भी आता है तो आपको ये 4 स्टेप पता होना चाहिए, पहला स्टेप पे क्या होता है, सेकंड स्टेप पे क्या होता है, थर्ड स्टेप में और फोर्थ स्टेप। इसी फोर्थ स्टेप से रिलेटेड सीड ड्रिल पर कोई भी सवाल लगाया जाता है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया कि पहले फरों की संख्या को गिन लेंगे, सेकंड स्टेप में बताया कि दो फरों के बीच की दूरी क्या है उसको मेंशन कर लेंगे, थर्ड स्टेप में क्या किया गया फरों की संख्या और बीच की दूरी को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो तीसरा स्टेप बन गया। अब फिर चौथे स्टेप में क्या हुआ कि जो तीसरा स्टेप बना था इसका वैल्यू और सर्कमफेरेंस का गुणा कर देंगे तो चौथा स्टेप बन जाएगा। ठीक है, 4 स्टेप। फिर क्या किया जाता है सीड बॉक्स को सीड से भर दिया जाता है, यानी सीड ड्रिल पर जो बॉक्स बना होता है सीड का उसमें सीड को क्या कर दिया भर दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है सिक्स स्टेप में इंडिकेटर को इच्छित बीज की मात्रा को गिराने पर निशान करे, यानी कहने का मतलब होता है कि इंडिकेटर लगाया जाता है जिससे बीज की एक निश्चित मात्रा एक निश्चित दूरी पर गिरे बीज। ठीक है, फिर 8th स्टेप में बताया गया कि मशीन को ऊपर रखो यानी कि जैक द सीड ड्रिल, यानी कि जो भी सीड ड्रिल का जो बॉक्स है उसको मशीन की ऊपरी सतह पर रखा जाए और प्रत्येक नाली के नीचे थैला बांधो। ठीक है, और 9th में बताया गया है क्लच को लगाकर मशीन के पहियों को घुमाओ, और 8th में लिखा गया है यानी 10th में प्रत्येक थैले के बीच की मात्रा को मालूम करें, यानी कि सीड ड्रिल में यह मेंशन किया जाता है कि उसके थैले में कितना सीड है उसकी संख्या को मालूम किया जाता है। फिर यहाँ पर लिखा गया है इस प्रकार बीज की इच्छित मात्रा गिराई जाती है। ठीक है, यदि किसी भी कारणवश बीज की निश्चित मात्रा नहीं गिर रही है तो हम देखेंगे कि मशीन में किस प्रकार की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। तो यही था कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल। तो आप 4 स्टेप भली भांति आपको जानना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। यदि यही 4th स्टेप आपको पता है तो सीड ड्रिल से कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा आप आसानी से लगा भी पाएंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल तो आपको इतना पूरा मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एक अच्छा नोट्स बना सके। तो थैंक यू, यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।